नमस्कार, 30 जिला 30 रिपोर्टर को आपमन को स्वागत। आसन देखिबा आम प्रतिनिधि माने आज केउन जिला रे उपस्थित अछंती एवं सेठारु ग्राउंड जीरो रु कोन स्थिति आपन को प्रदान करूछंती। आसन देखिबा टू प्रेमर साइड इफेक्ट फेसबुक रे प्रेम करी युवती को विवाह रो प्रतिश्रुति देई घर उठे आनी रास्ता रे मरणांतक आक्रमण घटना रे गिरफ होइछंती रंगीला फेसबुक प्रेमिक। तेबे गतकाली धामनगर थाना रे ये जो घटनाटी घटी दीर्घ दुई वर्ष फेसबुक रे प्रेम करी युवक जनक आज धामनगर पुलिस द्वारा गिरफ हो कोर्ट चालाण होती। तेबे युवक जनक डाक्तरी माइना सहित युवती को डाक्तरी माइना करा जाए। तेबे पुलिस युवती 161 बयान फल युवक को वर्तमान विचार विभाग हाजत को पठे दि जा। तेबे धामनगर थाना जो रही बाघुआरी अंचल 19 वर्ष युवती को जो फेसबुक रे प्रेम करी युवक जनक प्रतारणा करते बिवाह प्रतिश्रुति बारंबार शारीरिक संपर्क रखी बिवाह करने को मना करने फल उभय बचसा होता और युवक जनक मारणांतक आक्रमण करते। थाना युवती जनक अभियोग पर आज धामनगर पुलिस युवक को गिरफ्त कर आज कोर्ट को चालान करी। तेब यही घटन उभय डाक्तरी माइना पर एबे युवक गिरफ होती। तेज देखा बाकी रहा जे युवक कौन कोर्ट कार्यानुष्ठान ग्रहण करुच्ची एवं उक्त पीड़िता को किपर न्याय मिलू ता समस्त नजर अव्यवस्था रही कामाख्यानगर उपखंड मेडिकल यही मेडिकल पर कामाख्यानगर चारोटी ब्लॉक और पड़ोसी केन्दुर जिलार गोटे ब्लॉक यापर पखापाखि 500,000 लोक निर्भर करथवा बळे यही मेडिकल अवस्था बर्तमान सुधरी पारि नै। देखिया जे चारियाडे पडिबाने कुढ़ कुढ़ अलिया पड़ी रही जहाँ सफासुतरा मध्ये करा जाय नै। पूर्व कामाख्यानगर मेडिकल यहाँ को सर्वदा चर्चा थी बेले केत रोगी को उपयुक्त चिकित्सा करपार अभोग आसुवा बेले केत रोगी सालाइन हो ब्लड लगे बेड उपर पड़ रही है जहाँफल जो चिकित्सापे रोगी मैंने आसने तीव्र असंतोष देखाई तो अगर केत रोगी को चिकित्सा करने टा मगार संपर्क खबर सामना को आसी देखा जी सफा सुतरा करने मेडिकल पक्ष रोगी कल्याण समिति रही परिचालना कर रोगी कल्याण समिति यह सफा सुतरा रखापी जो निर्मल योजना रही घर टीका संस्था को दि जाए ता आदम सफा सुतरा कर देखा मिली चारिड़े बर्तन आवर्जन परिपूर्ण कामाख्यानगर मेडिकल तो दीर्घ दिन सफा न रहा जो बर्तन जो डेंगूर भय सहरवासी धारे सफा सुतरा कर विभिन्न मन दाबी होती कामाख्यान मेडिकल का सफा सुतरा कराऊना जहाँफल कि जो रोगी में आस चिकित्सा करने मन तीव्र असंतोष वृद्धि पाँच तो यह कि बारंबार उपरिस्थ अधिकारी मैंने अभियोग करूँ तार कौन से फल मिलू ना तो यही मेडिकल पूर्व 22 जन डाक्तर रहीबार नियम रही है बर्तमान रही सर्वमोट 8 जन जहाँफल कि रोगी मैंने चिकित्सा पाइर विभिन्न थर अवहेला शिकार होगा पड़ी। घर नर्सिंगहोम चलता बेआईन गर्भपात खबर पाई पुलिस पक्ष नर्सिंगहोम पर चढ़ाव करने सेठारु नर्सिंगहोम मालिकों सह 5 जन को गिरफ्त करछि। एभली घटना देखा मिली नयगढ़ मेडिकल पछपटे आनंद भवन नामक एक घर नर्सिंगहोम तेरे यही नर्सिंगहोम टी दीर्घ दिन धरी एपरि करथिया सूचना थी ते पुलिस पक्ष प्रमाण अभाव कौन कार्यानुष्ठान दि जा तेरे दुईज महिला आसी गर्भपात कर पुलिस पक्ष पुलिस सूचना पाइबापर से चढ़ऊ कर चढ़ऊ बेले दुईज महिला स्वीकार करते से गर्भपात आसी यापर नर्सिंगहोम मालिक सत्यप्रिय स्वाई 5 जन को गिरफ्त कर पुलिस से खंडपड़ा अंचल दलाल और फुलवाणी अंचल नर्स दुईज गर्भपात आ महिला गिरफ्त कर तेरे दीर्घ दिन धरी ये नर्सिंगहोम टी विभिन्न समय बिवाद रही बेले गर्भपात कर अभियोग होता किसी दिन पूर्व ए नर्सिंगहोम चढ़ऊ कर मालिकों सह कि जन को थाना अटक रखी बेले प्रमाण अभाव मालिक खसी जाइए तेरे नर्सिंगहोम टी पुणी चलुला बेले यह सूचना पाई जिला प्रशासन नर्सिंगहोम तीक्षण दृष्टि रखि ते पुलिस पक्ष चढ़ऊ पर नर्सिंगहोम को सिल कर जिला प्रशासन पक्ष तार कागजपत्र जांच कर तेबे एने आगामी दिन में अधिक दृढ़ पदक्षेप ग्रहण कर जिलापाल सूचना देखते बहु प्रतीक्षा पर आज नवरंगपुर जिला झरीगाँ ब्लक नुआ कोर्ट प्रतिष्ठा होती जिलापाल डॉक्टर अजित कुमार मिश्र
जिला मुख्य विचारपति श्रीजुक्त अशोक कुमार पंडा और सांसद रमेश चंद्र माझी उपस्थित थे। आज ब्लकवासी उद्देश्य उत्सर्ग कर बहुत दिन दाबी रही है जेहेतु झरीगाँ ब्लक चबीस पंचायत रही चबीस पंचायत में अनेक फौजदारी मामला बाकी पड़ा और मामला को फैसला करने निकटस्थ अमरकोट को जवाक पड़ा पखापाखि 20 किलोमीटर किंतु ये कोर्ट प्रतिष्ठा पर समस्त गोटे आशा रही समस्त गोटे आश्वस्त मन कर जेहेतु व्यक्तिगत कथ हो कि पारिवारिक कथ हो कि अन्य फौजदारी मामलें शीघ्र फैसला बोले जिलावासी ब्लकवासी आशा रखिंट आशा को लेकिन परवर्त समय प्रतिष्ठा द्वारा अंचल केत लोक सेवार आसवता देखा बाकी रहा। बालीपुड़ा बनांचल मीडिया किया ठारू चारिज वज्रकावता चालाण करुवा अभोग नहीं गिरफ कर बालीगुड़ा वन विभाग तेरे जहाँ सूचना मिली बालीगुड़ा वन विभाग पक्षर प्रथम सूचना था कि कौन सी चारिज चालाणकारी वज्रकावता किणापी बालीगुड़ा आसे उक्त वज्रकावता को 5 लाख टकर डिल कर तेरे उक्त घटना जानापर डीएफओं नेतृत्व में एक टीम गठन कर जो वज्रकावता चालाणकारी चंचकता कर मोबाइल नंबर को ट्रेस करने धरवाई सफल होती बालीगुड़ा वन विभाग यापर सूचना मध्य प्रेस मीट जरिया सूचना देखते बालीगुड़ा डीएफओ अंपे जी कह घटना प्रतिदिन बालीगुड़ा घटू वज्रकावता चालाण हो कि जो हनुमान टंका हो एभली कार्यकारी कर बहुत लोक जेल जा सारे अंपे जो वज्रकावता चालाणकारी चेर राज्य बाहर को लंबी जहाँ सूचना मिलूँ विश्व प्रसिद्ध भितरकनिका जातीय उद्यान चलित बर्ष शेष होइछि देशीय पक्षी गणना। चलित बर्ष भितरकनिका 1,08,639 पक्षी गणना करा जाइछि। गत वर्ष 97,866 पक्षी गणना करा जाइतला अर्थात गत वर्ष तुलन में चलित बर्ष भितरकनिका जातीय उद्यान को 10,773 पक्षी अधिक आसीथिबा वन विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। जदि देखिबा एही पक्षी गणना गत मास 23 तारीख रु आरंभ होई 30 तारीख पर्यंत चलितला एवं पक्षी गणना पई दुईटी टीम गठन कराइतला गोटे टीम मठा आड़िया रे पक्षी गणना करथिबा बळे आउ अन्य एक टीम लक्ष्मी प्रसाद डिया रे देशीय पक्षी मानकर गणना करथिले एवं गणना शेष होबा परे जतबळे सूचना आसुची भितर कनिका रे पाखापाखि 10,000 रु ऊर्ध पक्षी संख्या वृद्धि पाई निहाती भावे भितरकनिका वन विभाग एवं जे परिवेश माने रही खुशी खबर क्योंटी ना क्योंटी पक्षी माने दिनकु दिन जेतेबले प्रतिवर्ष गणना करा जाउची पक्षी मानकर संख्या बढ़ुची भितरकनिका को अधिक संख्यक पक्षी आसुचंती भितरकनिका को सुरक्षित मनेकरी एही देशीय पक्षी माने वर्षा ऋतु आरंभ रे भितरकनिका को आसी थांती एठारे निजर वंश बुद्धि करिबा सहित अंडादान करिथांती परे अंडारु छुआ फुटिथाय एवं वर्षा ऋतुर शेष भाग एमाने पुनर्बार गंतव्य स्थल को फेरी जाइथांती। एहिपरि भावे क्रमागत भावे प्रतिवर्ष देशीय पक्षी माने भितरकनिका को आसुचंती निजर वंश वृद्धि करिबा पई अन्यपटे जदि देखिबा दुखर विषय होउछि भितरकनिकार बहु पुरातन जो रहिछि बग गहन को आउ विगत किछि वर्ष धरी पक्षी माने आसु नहांती बा बसा बांधु नहांती कारण पक्षी माने सेमानकर बासस्थान चेंज करचंती बग गहन परिवर्ते मठा आड़िया लक्ष्मी प्रसाद दिया एवं दुर्गा प्रसाद दिया रे बसा बांधुचंती। वन विभाग जहाँ कहिबा कथा रही सेठारे बग गहन रे पक्षी मानकर खाद्यर अभाव रही कारण जेतेबेले जुआर पानी माड़ू नाही बग गहन को पक्षी मानकर खाद्य अभाव जोगु पक्षी माने सेठाकु आउ जाउ नहांती किंतु वन विभाग तरफ रु तुरंत पदक्षेप ग्रहण करा किभली भावे बग गहन को जुआर पानी माड़ एवं पुनर्बार पक्षी माने सेठारे किभली बसा करिबे बा निजर वंश विस्तार करिबे सेने व्यवस्था करा जिवो तेणुकरी एबे देखिबार कथा वन विभाग केबे एही पक्षी मानकु पुनर्बार बग गहन को फेरै नबारे सक्षम होउची ताहा परे समस्तक नजर रहिची। आदिवासी अधिसूचित गजपति जिलार ग्रुप महिला मानकु सशक्तिकरण एवं रोजगार कर्म करिबा पई सरकारंकर नियारा प्रयास विभिन्न चाष प्रणाली सरकार तरफ प्रोत्साहन राशि जगै फल पंचायत स्तर में सरपंच माने त्वरान्वित करविनियोग कि तत्परता करते गजपति जिलार आर उदयगिरी ब्लक अंतर्गत महेन्द्रगढ़ ग्राम पंचायत अंतर्गत तीनोटी बड़ बड़ घाई में आज मत्स्य चाषपी प्रोत्साहन राशि दि जाएगी जिला प्रशासन तरफ यही भाव में महेन्द्रगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच वीर भास्कर पायकों तत्वावधान आज
3 ଘାଇ ଅଛି ଯାହାକି କୁଶପଲ୍ଲୀ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରଣାଲୟ ଠାରେ ଥିବା SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଝାଡ଼ଣଡିଆ ଘାଇରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 100 KG ମତ୍ସ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଉଁଳା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଚୂନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରି କିଭଳି ଭାବେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆଠଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆଠଗଡ଼ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ଜୀବନବିନ୍ଦୁର ଆବାହକ ରାକେଶ ଦାସ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଯୁବକମାନେ ରକ୍ତ ଦେଇଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଠଗଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନଗର ସଭାପତି ଶିଶିର ମାନସିଂ ଏବଂ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ଭକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଠଗଡ଼ କଟକ SC ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଥିବା ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଦାନରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ୍ ଦାନ ବୋଲି କହି ବୁଝାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନ 4 ସୁଦ୍ଧା 70 ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆସି ଆଠଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ କୁବେରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏକି ପରିବାର ଏକର ମାତ୍ର ଝିଅ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ପିତା ମାତା ଦୁଇଜଣ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ହେଲେ 1.5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅଟିର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦେହ ଖରାପକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଏବେ ଫେଲୁଅର ଅଛି। ତେବେ ଏହି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସପରିବାର ଆକ୍ରୋ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ପଦ ଥିଲା ସବୁକିଛି ହରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଝିଅଟି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ପରିବାରର ଆଶା ଆଉ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଫେରିପାରିବେ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି ଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର। ଜଳେଶ୍ୱର ଇନ୍ ପରିସରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଏ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଏବେ ଜଳେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରହିଲା। ଔଷଧ ଦୋକାନର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ସମାଜସେବୀ ମଧୁସନ୍ଧା ମହାନ୍ତି ଏ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱର ସବ୍ଜେଲର ଜେଲର ଅନୁସୟା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଇ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଦାମ ଅଧିକ, ସେ ଔଷଧର ସମଗୁଣବତ୍ତା ଔଷଧ ଇଏ ଜନଔଷଧି ଦୋକାନରେ ଅତି କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଇଏ ଔଷଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସଭାରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଥିଲେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିର ସମାଜରେ ଲୋକେ ଠିକ୍ ଔଷଧ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ
कष्टदायक कारण समाज रे विभिन्न दुकान रे एबे डुप्लिकेट औषध मध्य बिक्री होतला बेले जनऔषधि एक अमोघ औषध जहार कौनसी डुप्लिकेट औषध नहीं अति कम दाम रे सरकार यहाँ सीधा सड़क भाव में दोकने बिक्री करूथिबारु निश्चित भाव यहाँ ग्रहणीयता अधिक हेबो। IOCL पारादीप तैल विशोधनागार मुख्य फाटक सम्मुखें पारादीप्र तीनोटी ट्रक मालिक संघ धारणा दि जाए तीनोटी ट्रक मालिक संघर जहाँ मिलित समन्वय कमिटी जहाँ को JCC कहुए जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी प्राय 10,000 रु ऊर्ध ट्रक मालिक मैंने धारणा देखते तेरे धारणा देवार मुख्य कारण हूँ से मानकर जो परिवहन होता ट्रक्रे पर होता IOCL उत्पादित पेटकोक राज्य तथा राज्य बाहर को परिवहन होता है से गुड़िक संपूर्ण रूप बंद कर दि जाए रेलपथर वागन साहजे राज्य एवं राज्य बाहर को पठा जा जहाँफल 10,000 ट्रक मालिक एवं से मानकर जो रही गाड़ी मैंने पण्य कारबार करते संपूर्ण रूपे बर्तमान ठप हो जाए केवल जे पेटकोक ठप होना जदि आम देखा आयरन जो जाऊ लुहापथर पारादीप आसाला सी मैं बंद हो जाए जहाँफल ट्रक मालिक माने बा ट्रक गुड़िक समस्त रास्ता कड़ हो घर सम्मुखर मैं ठिया रही थ देखा मिलूँ तेरे से कहवा कथा जेत IOCL आरंभ है उत्पादित है पेटकोक से समय से गोटे चुक्ति रही जहाँ लिखित रही ट्रक मालिक मान सहित जे जो पेटकोक गुड़िक बाहर उत्पादित हे से गुड़िक ट्रक जोगे राज्य और राज्य बाहर को पठाजी तेणु से समय ट्रक मालिक मैंने नूतन भाव गाड़ी 10 चकिया और 12 चकिया 14 चकिया 16 चकिया ये भली गाड़ी गुड़िक करते जार लक्षाधिक लक्ष टा उपर से किस्ती भरणा देवाक पड़ू तेना बर्तमान गुड़िक जेहेतु IOCL तार संपूर्ण रूपे गाड़ी रे ट्रक जोगे माल परिवहन बंद करी ट्रेन जोगे बा रेलपथ जोगे जो वागन रे बाहर को नौचे ए नहीं ट्रक ट्रक मालिक माने समस्ते आज धारणा रे बसछंती सेमानकर गुटिए दाबी रहिची जे किभळे बाबरे पेटकोक जो जाऊँ जो वागन रे सेमान को जदि 30% दिया जाए 70% किभली भाव में ये ट्रक जोगे परिवहन करिवो ए नहीं दृष्टि देवाई मैंने दाबी रखा सहित तो कंपानी कर्तृपक्ष को जन कंपानी कर्तृपक्ष जो कौन कथा न शुणिले ए नहीं मैंने धारणा बस तेरे आज ये धारणा बसवापर कंपानी कर्तृपक्ष प्रशासनिक अधिकारी एवं गाड़ी मालिकों कमिटी पक्षर समस्ते बस आज आलोचना करा आलोचना टू विफल हो विश्व पर्यटन क्षेत्र कोणार्क सूर्य मंदिर सम्मुखें जो उठा दोकानी गुड़िक गढ़ी उठिता तो उठा दोकानी मान थैथान करने चलित बर्ष राज्य सरकार पक्ष एक स्वतंत्र प्लान करा जाए जो प्लान रे किभली भाव रे पर्यटक माने आसीबे एवं ये जो उठा दोकानी गुड़िक थैथान करा जीवो सेमानक व्यवसाय रे क्षति पहुँचबनी एवं जो सौंदर्यमय कोणार्क मंदिर ताकू तार परिवेश को किभली भाव रे आहुरी सौंदर्यमय करा जीवो ता उपर स्वतंत्र भाव रे जिला प्रशासन एबे काम करूची किंतु एटी गोटे व्यतिक्रम देखा मिली जे कोणार्क मंदिर निकटवर्ती एरिया रे बा मंदिर पारिपार्श्विक अंचल भितर जो उठा दोकानी गुड़िक अच्छा से पखापाखि 160 रु 170 जन मध्य थे किंतु चलित बर्ष पखापाखि 210 जन व्यवसायी ना ये तालिकाभुक्त कर जिला प्रशासन ये तालिकाभुक्त भितर जो 160 जन व्यवसायी भितर पखापाखि 11 जन व्यवसायी बर्तमान जगह पाइबार वंचित अच्छा ये जो जगटी चिह्नट कराई ये चिह्नट प्रक्रिया एवं जगार उन्नतिकरण एवं रास्ताघाटर व्यवस्थित व्यवस्था करने पखापाखि OBCC पक्षर राज्य सरकार पक्षर 1 कोटी टंका व्यय अटकल OBCC यार काम आरंभ कर जो उठा दोकानी गुड़िक मंदिर परिसर उठिबे से माने सेहिठारे जाइकी पुणी थैथान हेबे किंतु जो 210 जन लोकंकर तालिकाभुक्त कराई ता भितर पखापाखि अणव्यवसायी विभिन्न गणमाध्यम प्रतिनिधि एवं अन्यान्य लोक राजनेता
तो सेमानक नाक मध्य भितरे प्रवेश कराई जहाँ कोणार्क जो व्यवसायी माने अछंती दीर्घ दिन धरी व्यवसाय करुछंती सेमाने पूर्वरु एनएससी द्वारा पंजीकृत अछंती फनि सहायता पाइछंती सेमानक पाखरे जो भेंडिंग जोन रो आई कार्ड मध्य प्रदान कराई किंतु सेही व्यवसायी माने बात पड़िया बेले एबे ए दिगरे जो थैथान व्यवस्था कराउछि या उपरे ए कार्यक्रम को केते स्वच्छता आछि ताकु नैकि उठाइछंती प्रश्न व्यवसायी मानकर दाबी रहुची आगामी दिन में यह घटना को पुनश्च तदन करा जाए जिला प्रशासन कोणार्क एनएससी या भितर विधिवत भाव में आलोचना करी किभली भाव में ये 11 जन बाद पड़ा लोक थैथान करा भितर जो अनुप्रवेशकारी भली पशिछंती जो अणव्यवसायी और राजनेता से किभली तालिकार बाद करा समस्ते दाबी रखिंट जदि आगामी दिन में से 11 जन परिवार को थैथान कराना जाए तेना आगामी दिन में पुणी राजरास्ता को ओह्लैवा को व्यवसायी माने चेतावनी देइछंती। दर्शक बंधु आपण देखुले 30 जिला 30 रिपोर्टर आम प्रतिनिधि माने ग्राउंड जीरो रु आपण को समस्त जिला गुड़ी विषय में ग्राउंड जीरो रे कौन समस्या रही कौन अभियोग रोचे लोकंर से बाबद अधिक तथ्य देते बर्तमान समय हो जाए बुलेटिन को ये रखुचु नमस्कार।